ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वते नमः। एकादशी मैया की जय। श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री युधिष्ठिर जी महाराज की जय। सब संतन की जय। आदरणीय भक्तजनों सादर प्रणाम। हम आज योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष चल रहा है और योगिनी एकादशी की कथा को श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, महाराज धर्मराज का दरबार लगा हुआ है, वहाँ पर सभी भक्तजन यानी कि सभी राज दरबारी और भी सभी लोग उपस्थित हैं। तब महाराज धर्मराज ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे देवकी नंदन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, इस व्रत की विधि क्या है और इस व्रत को क्या पहले किसी ने किया है, और किया है तो इसका फल क्या प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे कौंतेय, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं और एकादशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करना चाहिए और पूजा की विधि जैसे और एकादशियों में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है, इसी प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य आदि यानी कि 16 प्रकार से भगवान की उपासना की जाती है। व्रत के दिन भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए और यही व्रत की विधि बताई गई है। इस व्रत को करने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह योगिनी एकादशी यूँ समझ लीजिए जैसे कोई डूब रहा हो, उसके लिए ये जहाज के समान सर्वश्रेष्ठ नाव का काम करती है। इस व्रत से संबंधित मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। वह कथा इस प्रकार से है, तुम ध्यान दे के सुनो। अलकापुरी में धन के जो अधिपति हैं यानी कुबेर महाराज रहते हैं, वे भगवान शिव के परम भक्त हैं। एक यक्ष उनका सेवक था, उसका नाम था हेमाली। एक समय जब कुबेर महाराज पूजा करने के लिए बैठे, उन्होंने उस हेमाली को मानसरोवर में से पुष्प लाने के लिए भेजा। जैसे ही वह पूजा करने के लिए मानसरोवर में से फूल लाने के लिए गया और वहाँ से बहुत सारे फूलों को लेकर के आया, तो उसको लगा कि अभी तो बहुत टाइम बचा है, मैं थोड़ी देर अपनी पत्नी के पास चला जाता हूँ। उस यक्ष की जो पत्नी थी उसका नाम था विशालाक्षी। विशालाक्षी अत्यंत सुंदर थी और वह हमेशा कामातुर रहता था, पत्नी में अत्यधिक आसक्त था। आसक्त होने के कारण उसका मन हमेशा अपनी पत्नी में लगा रहता था। कुबेर शिव मंदिर में बैठे पूजा कर रहे थे, दोपहर हो गया, हेमाली पूजा के लिए फूल लेकर के नहीं आया। प्रतीक्षा करते करते उनको क्रोध भी आ गया कि अभी तक वह क्यों नहीं लौटा होगा। तब उन्होंने अपने अन्य सेवकों से कहा कि तुम जा करके हेमाली का पता लगाओ कि वह अभी तक क्यों नहीं आया। सेवकों ने कहा, महाराज वह तो घर पर अपनी पत्नी के साथ रंगरलियां मना रहा है। हेमाली जैसे ही अपने घर पे पहुंचा, अपनी पत्नी को देख करके वो सब कुछ भूल गया कि मैं किस काम के लिए आया था, क्यों आया था। सेवकों की बात सुनकर कुबेर को अत्यधिक क्रोध आ गया। पहले से ही उनको क्रोध आ रहा था कि उनकी शिव जी के लिए पूजा के लिए अभी तक फूल नहीं आए थे। उन्होंने सेवकों से बोला कि तुम उसको जा करके तुरंत ले आओ मेरे पास।
जैसे ही सेवक उसके पास पहुंचे, हे मालिका, ध्यान अब बड़ा ही उस तरफ गया कि वो मैं फूल लेने के लिए आया था और मैं तो यहाँ पर भूल गया, और सोचने लगा मन ही मन, उसको बड़ा दुख हुआ कि अरे मुझसे तो यह अनर्थ हो गया। अतः वह भयभीत हो गया और आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखते ही कुबेर के आँखों में इतना क्रोध आ गया कि उनकी आँखें क्रोध के मारे लाल लाल हो गई और वो कहने लगे, अरे दुराचारी, तूने भगवान की अवज्ञा की है, अतः तू कोड़ी हो जा, अपनी प्रेमसी यानी प्रेयसी से बिछुड़ कर यहाँ से कहीं और चला जा, तुम दोनों का आपस में बिछोह हो जाए। कुबेर के ये कहते ही उस स्थान से वह पृथ्वी लोक में गिर गया। उस समय उसे बड़ा कष्ट हो रहा था, उसके शरीर में कोड़ से बड़ी पीड़ा हो रही थी, पर वह भी शिव भक्त था, अतः उसकी जो याददाश्त थी वह भंग नहीं हुई थी। पाप से पीड़ित होने पर भी उसे अपने पहले की बात याद आ रही थी। अब वह इधर उधर घूम रहा था। एक दिन वह सुमेरु पर्वत की एक चोटी पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक ऋषि मुनि यहां पर तपस्या कर रहे हैं। वे मुनि मार्कंडेय जी थे। पापी यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने उसे भय से कांपता हुआ देखकर परोपकार की इच्छा से अपने पास बुला लिया। वह निकट आया तो ऋषि ने उससे सारी बातें पूछी कि तुझे यह कोड़ का रोग कैसे लग गया, तेरा रूप इतना निंदा के योग्य कैसे हो गया। यक्ष ने उत्तर दिया, मुनि, मैं राजाधिराज कुबेर का सेवक हूँ, मेरा नाम हेमाली है। प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री पर मोहित होकर मैं उसके मोहजाल में फंस गया, महाराज के पास न जाकर घर पर पहुंच गया। टाइम की मुझे सुधि नहीं रही, मैं भूल गया और महाराज कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया। क्रोध आ गया उनको, इसी कारण से मैं कोड़ी हो गया और अपनी प्यारी पत्नी से बिछुड़ गया हूँ। हे मुनिवर, मैं अपने किसी शुभ कर्म के प्रभाव से आपके पास आ पहुंचा हूँ। संत महात्मा बड़े परोपकारी होते हैं, अतः मुझ अधम को पापी को अब आप कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे कि मैं कृतार्थ हो जाऊं और मेरा रोग भी दूर हो जाए। मार्कंडे जी ने दया से द्रवित होकर कहा, तुमने मुझे सच सच बात बता दी, झूठ बोलकर अपराध छिपाने का प्रयत्न नहीं किया। भक्तजनों, कभी संत महात्मा हों, गुरुजन हों और डॉक्टर हों तो इनके आगे सारी बात सच सच बता देनी चाहिए। अपने माता पिता के सामने अगर हम इनसे झूठ बोलते हैं तो इससे बड़ी हानि होती है। इस कथा से हमें यही ज्ञान होता है कि संत महात्माओं के आगे, माता पिता के आगे और डॉक्टर के आगे हमेशा सच बोलना चाहिए। तब वे मुनि बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने सारी बात सच सच बता दी, अपने पाप को छुपाया नहीं, अतः मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम निश्चित ही इस कोड़ से छुटकारा पालोगे। मुनि के उपदेश के अनुसार उसने बड़े विधि विधान, बड़ी श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसके सारे शरीर का कोड़ मिट गया। वह पहले से भी और अधिक सुंदर और रूपवान हो गया। अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया और सुखी भी हो गया। योगिनी एकादशी का व्रत बड़ा ही प्रभावशाली है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का अंत करके बड़ा पुण्य फल प्रदान करती है। जो कोई भी इसका व्रत करेगा उसके किसी कारण से कोई रोग शोक कुछ भी हो वह सब दूर हो जाएंगे। श्री भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे धर्मराज, जो कोई भी इस व्रत को करेगा उसके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए। योगिनी एकादशी को विष्णु भगवान का पूजन करें, आहार मिश्रिका लें। ओम।
श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः।